गायत्री बेटा, गायत्री प्लीज बेटा, ये बदमाश है। गायत्री नहीं कर बेटा। आप फेरे लेना शुरू करो। महेंद्र भाऊ, आप लोग क्यों आए इधर? चलो हाथ करो ना भाई। चालू रखो, फेरे लेना। रुक जाओ गायत्री। अंजलि, लो बोलो। कमाल है, हम सब फैमिली मेंबर है, सब घर के लोग हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि शादी रोक दो, शादी रोक दो, तो अन्ना भाई हमारी नहीं सुनेंगे। ये अजनबी आके बोलेगी तो अन्ना भाई उसकी सुन के शादी रोक देंगे, बताओ। अरे उर्मिली, ये अंजलि है। अंजलि कौन? प्रतिमा मासी की बेटी रूपा। अरे वो स्वतः बोल रही है कि वो अंजलि है, तो वो रूपा कैसे क्या हो सकती है? वही तो, डोबी है ये, डोबी। हाँ डोबी। एक मिनट, इसने शादी क्यों रोकी ये पूछे ना? शादी क्यों रुकवाई तूने? मैंने गायत्री और अभिषेक की शादी का एडवर्टाइजमेंट अखबार में देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी वजह से दो दो जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ आप लोगों को सच बताने। गोवा के एक होटल में मेरी शादी हो रही थी। मेरी मर्जी के खिलाफ मैं बेबस थी। समझ नहीं आ रहा था कि अपने जीवन में समझौता करूं या खुदकुशी। पर कहते हैं ना, ऊपर वाला लोगों की मदद करने खुद नहीं आता, बल्कि वो अपने रूप में किसी ना किसी को भेज देता है। और उन्होंने मेरे लिए अभिषेक को भेजा। अंजलि फिर एक बार सोच लो, क्योंकि इसमें तुम्हारी बहुत बदनामी होने वाली है। और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना अभिषेक? लेकिन इस नाटक के दौरान कहीं गायत्री ने मुझे। अभिषेक, गायत्री यहाँ गोवा कैसे आएगी? प्लीज अभिषेक, तुम मेरे भाई की तरह हो, और अगर तुमने ये नाटक नहीं किया ना, तो मेरी शादी कोई बहुत बुरे लड़के के साथ हो जाएगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लगता है आ गया वो नालायक। चलो चलो नाटक चालू करते हैं। क्या बात कर रहे हो डार्लिंग, मेरी शादी जहाँ भी हो मैं तो सिर्फ तुम्हारी रहूंगी ना, सिर्फ तुम्हारी। तुम भी तो कुछ कहो वरना उन्हें शक हो जाएगा। वो तो है अंजलि। वैसे किस्मत से मेरी शादी गायत्री से हुई है, लेकिन मैं तो तुम्हारा ही हूं। How dare you, naughty? अरे 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 रुको रुको। गायत्री, गायत्री बुक, गायत्री सुनो ना। अपने स्वार्थ के खातिर, ताकि मेरे परिवार वालों को पता ना चले कि आज तक जो मैंने किया वो एक नाटक था, क्योंकि अभिषेक के साथ मेरी हुई बदनामी मेरी आजादी की एक वजह बन गई थी। अरे बिंदोक, तू तो आजाद हो गई तेरे गलत रिश्ते से, ये लेकिन यहाँ मेरे बच्चों का सही रिश्ता गलत हो गया, उसके बारे में तूने सोचा नहीं? एक बार भी नहीं सोचा तूने? अरे एक बार क्या, दो बार भी नहीं सोचा? जब एक बार नहीं सोचा तो दो बार कैसे सोचेगी? एक मिनट गायत्री बेटा, हम तुझे समझा समझा के थक गए कि अभिषेक पे विश्वास कर, लेकिन महेंद्र भाऊ आप अभी भी बेचारी गायत्री को दोषी समझ रहे हैं। लो बोलो, कान में मशीन लगी हुई है, बराबर सब कुछ एकदम बराबर सुन लिया है उन्होंने, फिर भी उन्हें गायत्री दूध की धुली हुई लग रही है, बताओ।
अन्ना भाई, क्या आप अभी भी अभिषेक को दोषी मान रहे? नहीं नहीं महेंद्र भाऊ, ये 7 सालों में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। प्रभाकर बाय। ठीक है अन्ना। Once more, भाऊजी। Once more। अरे नहीं अभिषेक, महेंद्र भाऊ उर्मिला बहन, देखो शास्त्रों में जो कि पहले मराठी में लिखे गए थे उसमें लिखा है कि जो छोटे होते हैं वो बड़ों के आगे हाथ जोड़ते हैं, लेकिन मैं कोकणस्थ ब्राह्मण समाज की नाक, प्रतिभाशाली सम्माननीय व्यक्ति मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, जिसकी गलती है उसे क्षमा मांगनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तो मैं अपना अहंकार छोड़ के आप सबसे क्षमा मांगता हूं। थोड़ा सर झुका के क्षमा मांगते। थोड़ा और झुक के ना भाई, थोड़ा और झुक के। अभी फाइनल? अरे क्या फाइनल, चुप करना तू। बस बस बस। अरे ये डोबी आपसे साष्टांग दंडवत करवाएगी, चुप रहे। आप देर से आए लेकिन दुरुस्त आए अन्ना भाई। लेकिन यहाँ से नादुरुस्त होकर 2 जन जाएंगे सीधी हवालात, एक अप्रतिम और एक ये ऐश्वर्या। अरे अगर हमसे पंगा लिया ना। कर तोंडा। अतो सटकी मैंने सुना है कि ज्यादा रोने से मेकअप धुल जाता है। मैंने मेकअप कभी किया ही नहीं अभिषेक, मैं जैसी हूं हमेशा तुम्हारे सामने वैसी ही रही, लेकिन तुमने इतने रंग बदले कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें जो दिखा तुमने वही देखा। इतने महान बनने की कोशिश ही क्यों करते हो तुम? हाँ मैंने तो एक नॉर्मल इंसान से प्यार किया था ना, जिसमें कुछ खूबियां तो कुछ खामियां भी होती हैं। वो बन के नहीं रह सकते थे तुम? मुझे पता ही नहीं था गायत्री, मैं दूसरों के जीवन में रोशनी जलाने के लिए जो मैं मसाल जला रहा हूं उससे मेरा अपना ही घर जल जाएगा। मुझे पता नहीं था कि बात हमारी डिवोर्स तक पहुंच जाएगी। बात डिवोर्स तक पहुंचती नहीं अभिषेक, तो एक बार मुझे सच्चाई बता कर तो देखते, मुझे विश्वास ना होता ना सही, किसी और तरीके से मना कर तो देखते। मैं ये जरूर कर सकता था, मैं तुम्हें कन्विंस भी कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में तुमने जो नजारा देखा था तो तुम्हें बार बार खटकता रहता कि मैंने तुम्हारे साथ छल किया है, और या तो जीवन भर तुम घूटती रहती या फिर आए दिनों में हमारे झगड़े बढ़ते जाते जिसकी वजह से हमारा बच्चा घूटता रहता। इसलिए तुमने तय किया कि ना मैं अपने बच्चे को घुटने दूंगा ना अपनी बीवी को, लेकिन खुद घुटता रहूंगा। अपनी नजर में तो महान बन गए तुम अभिषेक, लेकिन मेरा क्या,
तुम्हारे धोखे की गलत फहमी में सही, लेकिन मैं तो इस गर्व के साथ जी रही थी ना कि मैं सही हूँ, लेकिन तुमने मुझसे वो गलत फहमी भी छीन ली। अब मैं कैसे जीऊंगी अभिषेक, किसके सहारे जीऊंगी बताओ तुम। मैं हूं ना गायत्री, हमेशा से तुम्हारा ही तुम। सामु जोता पण नथी महेंद्र। क्या क्या कर रहे हैं आप, क्या हुआ? अरे किसी पराया आदमी के साथ इस तरह का व्यवहार करते हुए आपको शर्म नहीं आती? मैं शादीशुदा आदमी हूँ। मुझे पता है आप शादीशुदा है और मैं आपकी पत्नी हूँ महेंद्र। अच्छा, क्या मैं दो दो बार शादी करूंगा? बात करती है। ए उर्मिली, ये देख तो कौन आ गया घर में। उर्मिली जी, ये देख आपने मुझे बुलाया। हाँ, गायत्री के पापा। ये नाटक। अरे महेंद्र, मैं उर्मिला हूँ, ये कोमिला है। ए, जीजी, भूलने की बीमारी तो आपको है। गायत्री के पापा तो एकदम करेक्ट कह रहे हैं। हाँ, इनकी भूलने की बीमारी का इतना बड़ा फायदा उठाया, पूरा का पूरा ब्रेन वॉश कर डाला इनका। कमल, यहाँ मेरी बेटी का संसार दूसरी बार बसने जा रहा है और तू मेरा संसार उजाड़ने आ गई यहाँ पर। तने लाखों मरीज। खबरदार मेरी बीवी पे हाथ उठाया तो। एक बार हमारी गायत्री का संसार फिर से बस जाए, फिर मैं और मेरी ये उर्मिली 36 24 36 हम फिर से हनीमून पे जाने वाले हैं। हाँ? हाँ? नहीं, मैं ये शादी तो नहीं, मैं जा रही हूँ राजकोट। हाँ, तुझे तो जाना ही चाहिए राजकोट, क्योंकि तू हर बार बोलती है लेकिन जाती नहीं है। लेकिन इस बार मैं एकदम पक्का। महेंद्र, आपकी तो याददाश्त चली गई है ना, तो फिर आपको कैसे पता कि मैं मींस के ओरिजिनल उर्मिला राजकोट जाने की धमकी देती है लेकिन कभी राजकोट जाती नहीं है। आ गई ना झांसे में थोड़ी देर के लिए सही। अरे दीदी, हम तो आपकी खिंचाई कर रहे थे। वो मैं तो यहाँ गायत्री की शादी का जोड़ा फाइनल करने आई थी, तो जीजू ने मुझे बोला कि दीदी की थोड़ी सी खिंचाई कर ली जाए, तो बस इसीलिए मेरा काम हो गया। अब मैं चलती हूँ। बाय माही जीजू। बाय बाय दीदी। अच्छा महेंद्र सुनिए, मैं ये छाप और पेरामणि दोनों वहां पर देकर आती हूँ, लेकिन तब तक आप प्लीज सोच कर रखिए कि शादी की रस्मों को लेकर क्या करना है, नहीं तो वो मराठी मोगेम्बो है ना, वो सब कुछ अपने कंट्रोल में लेकर बैठ जाएंगे वापस। अरे तू फिकर क्यों करती है उर्मिली, मैंने दवाई ले ली इसलिए अभी ना कुछ भूलूंगा और ना भूलने दूंगा। इस बार तो मैं मेरा मास्टर प्लान अच्छे से आजमाऊंगा गायत्री के कन्यादान को लेकर। गणपति बाप्पा मोरिया। अभी सारे विघ्न दूर हो गए बाप्पा, अभी कोई भी विघ्न नहीं आएगा, है कि नहीं, बोलो। हाँ, अभी है ना, आपकी साक्षी में ही हम लोग अभिषेक और गायत्री की फिर से शादी करवा देंगे। अन्ना, खाने में हलवा पूरी, दो तरह की सब्जी, वरण भात और तीन गुजराती पकवान। अब तो ये सुन भी नहीं रहे। अन्ना, खाने का मेनू रेडी है। मोनिका रेणु टेढ़ी है, तो मैं क्या करूं? अभी तेरी सहेली मोनिका, तेरी सहेली रेणु, वो टेढ़ी, तो मैं क्या करूं? कि तेरी भाई को देख मुझे बोल रही है। खाने का मेनू अन्ना, शादी के भोजन की डिटेल। दाढ़ी के लोशन में घी तेल? हाँ बोल। दाढ़ी के लोशन में कोई घी और तेल डालता है क्या पेंद्या? अच्छा अभी सुन, गायत्री इस घर की लड़की हो गई है, अभी मेरी बेटी हो गई है, वो तो कन्यादान मैं करूंगा। महेंद्र भाव से चर्चा बिचा कर लेते हैं फोन पे। अन्ना, आपका फोन बज रहा है। फोन साज रहा है। अरे बिंदो,
शादी ब्याह में हम लोग सकते हैं, फोन थोड़ी ना सजता है। मैं महेंद्र भाव को फोन लगाता हूँ। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मैंने बोला कि मैं महेंद्र भाव को फोन लगाता हूँ तो उनका फोन सामने से आ गया। क्या नए नए मशीन निकले हैं फोन में, मेरी गायत्री ने इसमें कोई ऐप दिप डाला होगा। हेलो, मैं बाड़कृष्ण गोखले बोल रहा हूँ। महेंद्र भाव जरा सुनिए। अरे आप सुनिए अन्ना भाई, देखिए गायत्री के कन्यादान को लेकर ना मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। सुनंदा पालेकर खर्चा करती है, है? तो मैं क्या करूँ, इसका दिन है आज। ये भारती बोलती है मोनिका और रेणु टेढ़ी है, आप बोलते हैं सुनंदा पालेकर खर्चा करती है। अभी ये सारी औरतें ऐसा सब करती है, ऐसी सब है, तो मैं क्या करूँ। अन्ना 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 अन्ना, अच्छा अभी तक सब मुझे गलत सुनाई देता था। अच्छा जी चलो। हेलो महेंद्र भाव। हाँ, वो दरअसल अन्ना गायत्री के कन्यादान के बारे में बात करना चाहते। महेंद्र भाव मान गए अन्ना, वो बोल रहे हैं कि अगर गायत्री का कन्यादान आप करें तो उसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए गणपति बाप्पा, विघ्न हारता, अभी तो सचमुच में आपने सारे विघ्न दूर कर दिए। गणपति पापा। चल हट, अभी हमारी बेटी को देखना नहीं है दामाद जी। दामाद जी? हाँ, क्योंकि आज है ना कन्यादान तुम्हारे अन्ना और मैं करूंगी। तेरी बारात उर्मिला वहिनी और महेंद्र भाव लेके आए ना, तो तू अब इस घर का दामाद हुआ। मेरी बेटी को एक बार भी देखा ना तूने तो। ओहो, अभी तो मैं मेरी होने वाली पत्नी, मतलब दूसरी बार होने वाली सेम पत्नी को 100% देखूंगा ही देखूंगा। देखता हूँ मुझे कौन कैसे अड़ाता। अच्छा अब देख के दिखा तो। वाह वाह वाह, इसी घड़ी का कब से इंतजार था ना आई। हाँ वाकई भगवान, भगवान तू विघ्न हरता है। ओम महातदेव लग्नाम सुदिनाम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपते ते गृहगम स्मरामहे। तो यह ऐसा सब पिछली शादी में नहीं ना हुआ था, इसलिए वो गुजराती समस्याएं बीमस्याएं आ गई इनके वैवाहिक जीवन में। बल्कि इस बार पिछली बार से भी ज्यादा अच्छा हुआ ना भाई, टोटल गुजराती। देखिए पिछली बार मैं लड़की का बाप था, लेकिन इस बार लड़की के बाप आप बने हैं। और इसमें गुजराती कैसे क्या हो गया सब? एक पिता का अधिकार, अपनी बेटी को विदा करने का अधिकार मैंने आपको सौंपा कि नहीं। हाँ ये बात तो बराबर बोले आप। पिछली बार मेरी बेटी आपके घर आई थी, इस बार आपकी बेटी हमारे घर आने वाली है। ये भी बराबर बोले। पिछली बार सिर्फ गायत्री अकेली अपने ससुराल गई थी, लेकिन इस बार उसका बेटा कृष भी उसके साथ आएगा हमेशा के लिए। ये भी बराबर। क्या बोले? अरे भाई जिसके लिए आपने अभी हामी भरी, कृष भी उसके साथ हमारे घर आएगा। नहीं नहीं नहीं, अरे अरे बिल्कुल नहीं, कृष्णा आपके साथ क्यों आएगा? हाय हाय, फिर से झगड़ा शुरू हो गया। अरे पर देखो ना ये एक 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 मिनट ना भाई, ये लो लाठी पकड़ो। हाँ। महेंद्र त्रिशूल पकड़ी, चलो हो जाओ दोनों शुरू। हाँ एक सेकंड। मम्मी आप क्या सिटी बजा रही हैं? वही तो देखो ना सिटी बजा रही है, मेरे हाथ में लाठी दी और इनको त्रिशूल दे दिया, फिर तो यही जीतेंगे ना। अहो, आप क्या हथियार को लेकर चर्चा करने बैठ गए? एक मिनट वो क्या रहा है? अरे देखना अभिषेक, अभी अभी अन्ना भाई अपने मराठी मुंह से बोले कि शादी के बाद गायत्री और कृष को हमारे घर भेजेंगे, अभी साफ मुंह कर रहे हैं। हाँ क्योंकि आपने अपनी गुजराती खोपड़ी का उपयोग करके मुझे अपने जाल में फंसाया, और मैं बेचारा भोला भाला मराठी मानूस हो गया शिकार आपकी साजिश का। तीसरा फेरा प्रारंभ करिए। महासत्र
लेकिन अन्ना कन्यादान करना है ये आप ही तो बोले थे, भाकरवड़ी का मसाला बनाना है ये आप ही तो बोले थे। तो कन्यादान भाकरवड़ी का मसाला एक हुए? अगर ऐसा बोलेगा तो त्रिशूल मारूंगा तुझे। ओ अन्ना भाई, आपने कन्यादान किया है ना तो आपको विदाई भी करनी ही पड़ेगी और गायत्री और कृष्ण को हमारे घर भेजना ही पड़ेगा, समझ गए? बिल्कुल है, कृष्ण को क्यों भेजूं? ये युद्ध ना कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि ये प्यार भरा युद्ध है तुझे अपने पास रखने के लिए। हाँ, मेरे मम्मी पापा और तुम्हारे मम्मी पापा यानी कि हमारे अन्ना, उनको इस बात की कोई नहीं पड़ी है कि मैं और अभिषेक कहाँ रहेंगे, आप कहाँ रहोगे, इस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है। वो कहते हैं ना नगद से ब्याज ज्यादा अच्छा लगता है, वैसी बात है ये। अच्छा, तो ये ब्याज ही इस युद्ध को खत्म करेगा, आप लिख लीजिए टिकट फ्रॉम। अरे वाह। अच्छा सायरन बजी। मोटा भाव। उर्मिला बहन, ओ मेरी उर्मिला बहन, उर्मिला बहन मेरी। नहीं, नहीं, आपकी बहन नहीं हूँ मैं, चक्रवाला। बस सबको ऐसे ही रहना चाहिए, प्रॉमिस कीजिए। इन रिश्तों को आप हम नहीं बदलने देंगे, डोंट वरी। हाँ, और सच पूछो तो मैं और अभिषेक इन दो विचारधाराओं का संगम ही तो है। और हमारा कृष्णा सेतु है, सेतु। इन परिवर्तनवादी गुजरातियों के साथ हम परंपरावादी मराठियों को जोड़ता हुआ सेतु है हमारा कृष्णा। अरे ये सेतु ही तो है अन्ना भाई, जो हमारे भिन्न विभिन्न रिश्तों को दोनों तरफ से जोड़े रखता है। भाकरवड़ी जैसा है हमारा रिश्ता। थोड़े नमकीन, थोड़े मीठे, थोड़े चटपटे, थोड़े खट्टे और थोड़े तीखे तीखे। राजकोट स्टाइल के मीठे भी हैं, थोड़े पुणेरी करारे। और अलग अलग स्वाद को जोड़ता हुआ भाकरवड़ी जैसा हमारा रिश्ता इसी तरह खुशियाँ फैलाता रहे और जीवन को चटपटा बनाता रहे, है कि नहीं, बोलो। हाँ हाँ। दुनिया की रानी रे, हम थी भाकरवड़ी, पूरी दुनिया ही इसकी दीवानी रे, हम थी भाकरवड़ी, है सुनहरी और पुणेरी, पुर पुर भाकरवड़ी, इसके चर्चे गली गली, भाकर घड़ी घड़ी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.